अगर आप जंगल में या किसी टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को देखने के लिए जाते हो और आपको टाइगर दिख जाता है तो ये मत सोचिए कि आपको टाइगर आसानी से दिख गया। दरअसल जिस टाइगर को आप देखते हो वो टाइगर खुद चाहता है कि आप उसे देखे। यानी टाइगर इंसानों के सामने तभी आता है जब वो चाहता है। कुछ दिन पहले अमेज़न प्राइम पर एक फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म का नाम है शेरनी। उस फिल्म में वन विभाग का कर्मचारी एक डायलॉग बोलता है, जब कोई इंसान किसी जंगल में टाइगर को देखने के लिए 100 बार जाता है तो हो सकता है उस इंसान को टाइगर 1 बार दिख जाए, पर एक बात तय है कि 99 बार टाइगर ने उस इंसान को देख लिया है। टाइगर की इन खूबियों को बताने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि इन खूबियों का इस्तेमाल एक आदमखोर टाइगर बखूबी करता है। और तब जब वन विभाग की पूरी टीम उसे पकड़ने के लिए जुट जाती है, ऐसे मामलों में गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। वन विभाग के कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए दिन महीने गुजार देते हैं, इसके बावजूद भी एक आदमखोर टाइगर पकड़ में नहीं आता। और अगर पकड़ में आ भी जाता है तो तब तक वो टाइगर काफी सारे लोगों का काम तमाम कर चुका रहता है। एक आदमखोर टाइगर बनने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। अक्सर आपने इस बात पर नोटिस किया होगा, जब किसी इंसान के सामने कोई ऐसा जीव आ जाता है जिसे उसने कभी देखा ही ना हो, तो वैसे सिचुएशन में अगर जीव छोटा या कम ताकतवर रहा तो इंसान उसे मार देता है, और अगर वही जीव बड़ा रहा तो इंसान उसे देखकर भाग जाता है। कोई भी इंसान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि उस जीव से उसे खतरा हो सकता है। ठीक ऐसे ही टाइगर भी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान केवल 1 बार मारता है और टाइगर 1 बार मारने के बाद बार बार मारता है। और ऐसे ही बार बार लगातार मार मार कर एक चंपावत नाम की टाइगरेस ने 436 लोगों को मार डाला। कैसे मारा और क्यों मारा इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। एक आदमखोर टाइगर कितना खतरनाक होता है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे पकड़ने या मारने के लिए नेपाल की सरकार ने उस टाइगर के पीछे आर्मी लगा दी। उस टाइगर ने नेपाल में लगभग 200 लोगों को मारकर जो आतंक मचाया था, उस आतंक को देखकर वहां की सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था और मजबूरन उस टाइगर को मारने के लिए आर्मी वालों को बुलाना पड़ा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी आदमखोर टाइगर को मारने के लिए आर्मी वालों को बुलाना पड़ा। पर अफसोस कि आर्मी वाले भी उस टाइगर का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, पर उस टाइगर ने आर्मी वालों का बहुत कुछ बिगाड़ दिया था। इससे पहले कि उस आदमखोर टाइगर के हाथों आर्मी के और जवान मारे जाते, आर्मी वालों ने उस टाइगर से बचने के लिए एक संगठन बनाया और उसे उसकी टेरिटोरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यानी आर्मी के जवानों ने उस टाइगर को शारदा नदी के किनारे तक भगा दिया। इस नदी का आधा हिस्सा नेपाल में है और आधा हिस्सा इंडिया में है। शारदा नदी तक पहुंचने का मतलब है कि वो टाइगर इंडिया में अपने कदम रख चुकी थी। नेपाल में उस टाइगर ने अब तक जो कुछ भी किया वो एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो इंडिया में आने के बाद शुरू होती है। नेपाल से निकल जाने के बाद उस आदमखोर टाइगर ने उत्तराखंड के कुमाऊ जिले में आतंक मचाना शुरू कर दिया। इस टाइगर के हमले से मरने वालों में सबसे ज्यादा गिनती औरतों और बच्चों की थी। इसके पीछे ये कारण है कि घर के पालतू जानवरों के लिए चारा लाना और घर में खाना पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का काम ज्यादातर बच्चे और औरतें ही करते हैं। इसीलिए उस आदमखोर टाइगर को रात का इंतजार नहीं करना पड़ता था और वो टाइगर दिन दहाड़े लोगों को मारकर अपना निवाला बनाने लगी थी। लेकिन दिन की रोशनी में भी उस टाइगर को पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। कुछ लोग तो ये तक मानने लगे थे कि चंपावत गांव में किसी चुड़ैल का साया पड़ गया है जो लोगों के खून की प्यासी है। लेकिन उन लोगों की जान का दुश्मन कोई भूत नहीं बल्कि एक आदमखोर बाघिन थी, जिसने नेपाल में 200 लोगों को मारने के बाद अब हिंदुस्तान में 236 लोगों को मारकर पूरे कुमाऊ जिले में आतंक मचाकर रखा था। उस टाइगर ने लोगों के दिलों में इतना डर पैदा कर दिया कि उस टाइगर के जिस भी इलाके में होने की खबर मिलती थी वो इलाका पूरा सुनसान हो जाता था। फाइनली उस टाइगर को मारने के लिए उस समय के सबसे मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट को
सामने आना पड़ा। इस टाइगर को मारने के लिए जिम कॉर्बेट ने कई प्लान बनाए, लेकिन हर बार वो टाइगर जिम कॉर्बेट को ये याद दिलाती थी कि ये जंगल उसका है और इस जंगल में राज भी उसी का चलता है। उस आदमखोर टाइगर ने आखिरी शिकार एक 16 साल की लड़की का किया, जो कि जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। जिम कॉर्बेट को इस घटना की सूचना मिलते ही उसने तुरंत और एक प्लान बनाया और जिस लोकेशन से उस टाइगर ने लड़की को उठाकर ले गई थी, वहां से कॉर्बेट ने खून के धब्बों का पीछा करना शुरू कर दिया। बाघिन अपने शिकार को जंगल में काफी अंदर तक ले गई थी और कॉर्बेट लाश के घसीटे जाने के निशानों का पीछा करते करते टाइगर के काफी करीब पहुंच गया। उस टाइगर को मार पाना कोई आसान काम नहीं था। कॉर्बेट टाइगर के करीब तो पहुंच गया, लेकिन उस टाइगर ने कॉर्बेट पर ही हमला कर दिया। दो गोलियां चलाने के बाद किसी तरह जिम कॉर्बेट को भागने का मौका मिल गया। अगले दिन सुबह जिम कॉर्बेट ने चंपावत के तहसीलदार और गांव के तमाम लोगों की मदद से फाइनली उस आदमखोर टाइगर को मार गिराया। गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक उस टाइगर ने 436 लोगों को मारा था, पर ऐसा माना जाता है कि उस टाइगर ने 500 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। टाइगर के हमलों में अब तक सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने वाली इस बंगाल टाइगर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।